हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन इन दिस वीडियो विल डिस्कस वर्कशीट नंबर ट्वेंटी सेवन फॉर सब्जेक्ट इज इंग्लिश डेट इज थर्टी दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी राइट योर नेम हियर एंड राइट योर क्लास टीचर नेम हियर स्टूडेंट ये आपकी वेंसडे की वर्कशीट है वीडियो को पूरी देखना ताकि वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ जाए स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट यहाँ देखिए आपको तीन पिक्चर दिखाई हुई हैं। इनके बारे में नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है दिस इज राधा शी इज अ गर्ल देखिए दिस इज राधा राधा क्या है यह कौन है यह राधा है शी इज अ गर्ल यह एक लड़की है तो शी हमेशा किसके लिए यूज होता है गर्ल के लिए यूज होता है गर्ल विमेन लेडी इन सब के लिए क्या यूज़ होता है शी और जितने भी बॉयज कैटेगरी वाले होते हैं मेल मैन और इन सब के लिए क्या यूज होता है ही बॉय इन सब के लिए क्या यूज़ होता है ही और जितनी भी गर्ल्स होती हैं गर्ल्स विमेन फीमेल लेडी इन सब के लिए क्या यूज होता है शी बॉय के लिए हमेशा ही यूज होता है और गर्ल्स के लिए शी अब देखिए ये आपकी बेसिकली प्रोनाउन की वीडियो वर्कशीट है दीज आर राम एंड श्याम ये राम और श्याम है दे आर बॉयज ये कौन है बॉयज हैं तो ये एक से ज्यादा है इसलिए यहां इनके लिए क्या हुआ है दे यूज हुआ है अगर यहाँ सिर्फ एक ही लड़का होता तो इधर क्या आता ही दिस इज अ डॉग इट इज अ ब्राउन तो देखिए ये शी इधर क्या है राधा हो गया आपके इधर नाउन और शी नाउन की जगह पर आया तो ये क्या होगा प्रनाउन शी क्या है प्रनाउन दे भी क्या है प्रनाउन और इधर इट क्या है प्रनाउन तो नीचे आपको एक सेंटेंस शी दे एंड इट आर वर्ड्स वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन शी दे एंड इट ये तीनों किसकी जगह पर यूज हो रहे हैं नाउन की जगह पर वर्ड्स वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल प्रोनाउन तो ये आपकी यहाँ से यहाँ तक प्रोनाउन की डेफिनेशन है वर्ड्स वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल प्रोनाउंस तो ये हो गई आपकी प्रोनाउंस की डेफिनेशन समर एग्जाम्पल्स आर यहाँ आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए ये सब सारे वर्ड्स क्या है प्रोनाउंस है ये हमेशा नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं नाउन के प्लेस पर यूज़ होते हैं तो वन जहाँ भी हम एक व्यक्ति की बात करेंगे वहाँ हम इन चीज़ों को लगाएंगे और जहाँ हम मोर देन वन की बात करेंगे वहाँ हम ये वाले वर्ड यूज़ करेंगे अब देखिए आई मी जब हम एक के बारे में बात करेंगे और अपने ही बारे में बात करेंगे तो आई या मी दोनों में से एक यूज़ होगा वो डिपेंड करता है सेंटेंस पर कि कहाँ आई यूज़ होगा और कहाँ मी यूज़ होगा यू का मतलब तुम ही और हिम किसी वन के लिए यूज़ होगा ही और हिम दोनों ही किसके लिए यूज होते हैं बॉय के लिए यूज़ होते हैं ही होता है सब्जेक्टिव के, के लिए और हिम होता है जब हम ऑब्जेक्टिव के प्लेस पर बात कर रहे होते हैं इस तरीके से शी और हर गर्ल के लिए यूज़ होंगे इट इट हम किसी भी नॉन लिविंग thing के लिए यूज़ कर सकते हैं अब देखिए मोर देन वन जैसे या तो हम अपने बारे में बात कर रहे हो तो हम आई me लगा देंगे बट अब एक तो होता है मैं बोलूँ मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं आई यूज़ करूँगी और दूसरी जगह मैं बोलूँ हम स्कूल जाते हैं तो मैं वहाँ क्या यूज़ करूँगी वी आर गोइंग वी आर गो टू स्कूल कि हम स्कूल जाते हैं हम स्कूल जा रहे हैं वी आर गोइंग टू स्कूल तो मोर देन वन की जगह पर क्या यूज़ होता है जहाँ हम एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं वी और अस यू में तो हम यू ही यूज़ करते हैं दे देम दे दीज तो ये सारे वर्ड्स हैं जो मोर देन वन के लिए यूज़ होते हैं जहाँ हम एक से ज़्यादा लोगों की बात, तो की बात कर रहे होते हैं ये वर्ड्स हैं जहाँ हम सिर्फ एक की बात करते होते हैं तो अब आप इधर देखिए प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द नाउन हम प्रनाउन ये आपकी यहाँ से यहाँ तक होगी प्रनाउन की डेफ़िनेशन और हम प्रोनाउन को किस लिए यूज़ करते हैं अगर आपको आपसे कोई यूज़ पूछे कि प्रनाउन को किस लिए यूज़ करते हैं तो टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन कि हमें बार बार नाउन ही रिपीट ना करना पड़े जैसे अगर आप ऐसे बोलो राम एक लड़का है राम यहाँ रहता है राम के इतने भाई बहन हैं तो हम राम बार बार यूज़ ना करके ये बोल सकते हैं राम एक लड़का है वह चौथी क्लास में पढ़ता है तो यहाँ हम राम ना यूज़ करके वह यूज़ कर रहे हैं तो स्टूडेंट ये वह ही प्रनाउन है जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं और इंग्लिश में प्रनाउन कहते हैं तो पहला तो हम प्रनाउन क्यों यूज़ करते हैं टू अवॉइड रिपिटेशन ऑफ द नाउन और या फिर आप ये भी कह सकते हो टू मेक सेंटेंस ब्यूटीफुल इससे सेंटेंस क्या हो जाता है ब्यूटीफुल हो जाता है मतलब सेंटेंस का एक वे अच्छा लगता है अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है शीना सो जिया And ने देखा जिया को and बदले क्या सो जिया एंडेड हर तो, her. And her. तो ये हर किसके लिए आया है जिया के लिए आया क्योंकि जिया लड़की है अगर यहाँ कोई लड़का होता तो क्या आता क्या हिम yeah, वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे अभी अगर मैं आपको समझाने लगूंगी डिटेल में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए आपकी वर्कशीट में जितना दिए आप उतना ही पढ़िए सर्कल द करेक्ट प्रोनाउन तो आपको यहाँ पे करेक्ट प्रोनाउन चूज करना है मैंने ऊपर राइट डाला हुआ है आप इन्हें सर्कल कर लेना ही शी इज माई ब्रदर तो ब्रदर है ब्रदर कौन होते हैं भाई और भाई कौन होते मेल तो आप क्या करोगे ही को सर्कल करोगे दीज स्लैश इट आर एप्पल्स तो एप्पल्स क्या है नॉन लिविंग नॉन लिविंग लिविंग नहीं तो आर आ रहा है यहाँ पे और एक से ज़्यादा एप्पल्स की बात कर रहे हैं तो इधर किस पे सर्कल करोगे आप दीज पर ये एप्पल्स है इट स्लैश शी इज बॉल तो बॉल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे इट दे स्लैश आई आर गोइंग टू द मार्केट तो दे क्योंकि यहाँ आर आ रहा है दे आर गोइंग टू द मार्केट वे या ये मार्केट जा रहे हैं नेक्स्ट इज दिस और दीज इज माई रैबिट तो यहाँ इज आ रहा है तो इज तो है तो इसलिए क्या आएगा दिस क्योंकि दिस होता है सिंगुलर और दीज होता है तो सिंगुलर है इधर इज आ रहा है तो इज सिंगुलर के लिए यूज होता है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे दिस मिस्टर रवि टीचेस ही स्लैश अस तो मिस्टर रवि हमें पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं साइंस तो यहाँ पे क्या सर्कल करोगे अस को सर्कल करोगे तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाद में आप इसे अपनी अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन कर सकते हो प्रॉपरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज़ द करेक्ट प्रोनाउन टू द सेंटेंस प्रोनाउन को यूज करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है सुमन प्लेड द सितार तो सुमन लड़की है तो इधर क्या आएगा शी शी इज वेरी गुड एट इट और उसमें वो बहुत अच्छी है तो आप यहाँ क्या लिखोगे शी इस तरीके से आपको फिल करना है मैंने ऊपर ऊपर राइट डाले हुए आप उन्हें फिल कर लेना Any polished. Any एक लड़की है एनी polished हर शूज एनी अपने शूज polished करती है डैश दे ही शी तो शी क्योंकि वो लड़की है तो शी आएगा शी also वॉश द dishes और वो क्या करती है dishes को भी जो प्लेट्स होती है उन्हें भी क्लीन करती है वॉश करती है ध्रुव एंड रमेश आर गुड फ्रेंड्स गुड ध्रुव और रमेश क्या है अच्छे दोस्त है तो दे ए, एक से ज्यादा हो गई तो दे आएगा दे आर इन क्लास सिक्स और वे क्लास सिक्स में है राधिका वोन द रेस बिकॉज राधिका ने रेस जीती क्योंकि शी वॉज द फास्टेस्ट क्योंकि वो सबसे तेज थी तो इधर शी आएगा तो आप इधर शी लिखना नेक्स्ट इज अलीज हाउस इज फार अवे फ्रॉम स्कूल अली का घर स्कूल से दूर है तो अली लड़का है तो इधर आप ही लिखोगे यूज इज cycle टू टीच टू रीच द स्कूल एवरी डे अली का घर दूर है स्कूल से इसलिए वो साइकिल को यूज़ करता है स्कूल डेली जाने के लिए पहुँचने के लिए द children प्लेट इन प्लेड इन द प्ले ग्राउंड चिल्ड्रेन प्ले ग्राउंड में खेल रहे थे दे वर वेरी हैप्पी और वो बहुत खुश थे तो इधर क्या आएगा दे तो स्टूडेंट ये थी आपकी वर्कशीट क्लास सिक्स की आई होप आपको समझ आया होगा और अभी आपने इस वर्ड में वर्कशीट में प्रनाउन पढ़ा है तो मे बी आपकी नेक्स्ट वर्कशीट में भी प्रनाउन ही होगा थोड़ा डिटेल में क्योंकि ये तो सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन था आपके लिए तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी या आपके कोई डाउट्स हो तो थैंक यू